नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको टूर कराने वाले हैं नोएडा का DLF जो मॉल है वहाँ का। हम आपको टूर कराने वाले हैं। जो ये रोड देख रहे हैं आप, ये DLF के सामने की रोड है नोएडा में। और चलिए चलते हैं फिर। ये सामने जो आपको दिख रहा है येलो कलर में, वही DLF मॉल है। ये यहाँ का बाहर की लोकेशन है। वाव, ये आप लॉकडाउन काफ़ी चेंज हो चुका है। लोग उतने हैं नहीं लोग। हम एक्चुअली गए थे आई थिंक फ्राइडे को, सो उतने लोग थे नहीं। लेकिन सैटरडे संडे काफ़ी भीड़ रहती है मॉल में, और पब्लिक प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। सो अभी कुछ सालों में यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। पहले काफ़ी इतनी अच्छी नहीं थी सिटी, लेकिन अब बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर वॉक इन फ्लाईओवर है रोड क्रॉस करने के लिए। रोड क्रॉस करके हमें जाना होगा मॉल ऑफ इंडिया के एंट्रेंस पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे ग्रीनरी ग्रीनरी के लिए इतना अच्छा वो बनाया गया है। ये फ्लावर्स लगाए गए हैं। और नोएडा सिटी में एक चीज़ देखा मैंने अभी कुछ टाइम से, इतना मतलब जो हमारे हाथी हैं और बहुत सारे जो जानवर हैं, जो उनकी उनको ना बनाया जा रहा है। मतलब ये ग्रीन दिखाऊंगा मैं आपको, मैं आप बट आई मीन है ना। सो यहाँ से हम एंटर हुए अंदर, और यहाँ पे आपको सारे ही ब्रांड मिलेंगे। मॉल DLF यहाँ का सब से काफ़ी बड़ा है और बहुत फेमस मॉल है। तो आपको सारे ही ब्रांड यहाँ पे मिलेंगे। फर्दर अगर आप इसी प्रकार की कोई मॉल की या फिर मॉल से रिलेटेड या फिर यहाँ पे जो फेमस प्लेसेस हैं दिल्ली में नोएडा में, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप इनको देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या आने वाली है इन फ्यूचर। सिटी काफ़ी डेवलप हो चुकी है और काफ़ी डेवलप हो रही है अभी करंटली। सो अभी हम दिखाएंगे आपको। अभी थोड़ी सी टाइम का भी बोल सकते हैं कि टाइम उतना मिल नहीं पा रहा है। सो ये है यहाँ की ये केतन जी हैं। केतन जी जो कि मेरा दोस्त है और हमने काफ़ी इन्जॉय कराया यहाँ पर। लेकिन एक थोड़ा बेकार पार्ट ये लगा कि वहाँ पे जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो यहीं पे एक सिक्योरिटी थे नीचे से, वो चिल्लाने लग गए थे कि सिक्योरिटी से कुत्ते कोई, कि यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है। तो फिर भी हमने थोड़े बहुत बना ही लिया था अपने लिए। तो फूड में भी आपको यहाँ पे सारी वैरायटीज मिलेंगे, सारे ब्रांड मिलेंगे आपको यहाँ पे, जिस भी ब्रांड से आप खाते हैं। और शॉपिंग आप जिस भी ब्रांड का करते हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम उतना सूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था, और सूट करना भी अलाउड नहीं था। तो एक अगर आप नोएडा में आते हैं या दिल्ली में आते हैं, तो एक बार विज़िट ज़रूर करिएगा DLF। और DLF के बगल में ही GIP है, वहाँ का भी हम अभी एक दिन आपको टूर करवाएंगे। इसके अलावा हम आपको टूर करवाने वाले हैं, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट विजिट वीडियो, वो गौर सिटी की आएगी। गौर सिटी और जो कि ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट का काम चल रहा है अभी आफ्टर लॉकडाउन। और कुछ टाइम पहले से 2-3 साल से काफ़ी डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले तक तो, अगर हम देखें बिफोर 2-3 साल पहले तक देखें, तो यहाँ पे इतना डेवलपमेंट था नहीं। मतलब इतनी सिटी इतनी क्लीन नहीं थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे नहीं था जैसे आज हो चुका है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से ही पूछा है कि यहाँ पे मतलब पहले कैसे था। तो पहले बहुत ही मतलब इतना डेवलप कुछ भी नहीं था, तो अभी काफ़ी डेवलप हो चुका है। और कंपनीज़ ही कंपनीज़ हैं यहाँ पे। अगर आप अगर आप 12th पास करा है या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, प्राइवेट जॉब ढूंढ रहे हैं,
यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं जो कि हम आपको आगे की वीडियो में दिखाने वाले हैं। और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आप कैसे यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं, और कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, रूम पे कैसे रहते हैं, लोग जिनके घर हैं यहाँ पे वो कैसे रहते हैं, इस बारे में हम सारी डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस नहीं, लेकिन अभी आपको आने वाले सारे वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, और इसके अलावा अब बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है उत्तराखंड के बारे में भी। बेसिकली हम कहाँ से हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। बेसिकली अभी थोड़ा हाँ कि थोड़ा सस्पेंस रखिए आप। हम अभी आने वाली हैं सारी वीडियोस। सो या अभी हम उत्तराखंड के बारे में बताने वाला हूँ। उत्तराखंड, बेसिकली हम उत्तराखंड से ही हैं, अब इतना भी क्या सस्पेंस रखना। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाएंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो पे हम उम्मीद करते हैं जितना अच्छा आपका रिस्पांस होगा उतना अच्छा, उतने ही अच्छे हम आपको कंटेंट आपके देने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट video, press bell icon. Thank you.